इन दोस्तों यूडीसीआर में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे भूटान वुमेन और यूएई एमिरेट्स वुमेन्स के बीच में खेले जाने वाला जो नेक्स्ट एशिया कप क्वालिफायर्स का मैच है ना, उस मैच के बारे में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे जिनकी जगह बन पाएगी हमारी प्राइम टीम में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना दोस्तों। स्किप करोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस कर जाओगे, तो स्किप मत करना, पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप कुछ भी पॉइंट्स में जो डिस्कस करने वाला हो वो आप मिस ना करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार आपको हमारे जो यूज़र्स हमसे जुड़े हुए हैं वो कितना विन कर रहे हैं हमारे टीम से वो आपको एक बार दिखाते हैं। चलिए हमारे यूज़र्स की विनिंग्स एक बार आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको मालूम पड़ जाए हमारे यूज़र्स कितना विन कर रहे हैं हमारे टीम से। चलिए आपको हमारे जो यूज़र्स हैं ना वो हमारे टीम से कितना विन कर रहे हैं वो एक बार आपको दिखाते हैं। चलिए उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वाले सब्सक्राइब के बटन को जो मैं मार्क कर रहा हूँ इस पर टैप करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमारे चैनल को, और नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर देना। उसके बाद वीडियो को एक लाइक करना है आपको, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपको मोर का बटन दिख रहा है ना, ये जगह इस जगह पर आपको टैप करना है और नीचे आना है। ये देखिए सबसे पहला लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का दोस्तों, ये वाला लिंक, ये देखिए इस वाले लिंक पर आपको टैप करना है। हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा आपको ताकि आप हमारे यूज़र्स की तरह ना विन कर पाओ। तो आपको हमारे यूज़र्स की विनिंग दिखाते हैं। चलिए ये देखिए गोडल गेमिंग, सर आपकी टीम से मैंने 70,000 विन किया दोस्तों, 70,000 विन किया इन्होंने, कितना 70,000 दोस्तों। उसके बाद सर मैंने CPL में 2,00,000 विन किया, देखिए कैरेबियन प्रीमियर लीग जो चल रहा है ना उस पर इन्होंने लास्ट मैच में 2,00,000 विन किया दोस्तों। उसके बाद हिमानी गर्ग, सर मज़ा आ गया, इतनी नॉलेजेबल वीडियो आने आज तक नहीं देखी, कल मैंने आपके टीम से 75,000 जीता, 75,000 दोस्तों इन्होंने 75,000 विन किया हमारी टीम से। उसके बाद ये देखिए वाओ अमेजिंग, क्या टीम बनाते हैं, हैट्स ऑफ टू यू। उसके बाद ये देखिए सर मेरी थर्ड रैंक आई 1800 टीम्स में, सर आपके वजह से सर आपके सारे वीडियोस में बिना स्किप करे देख दो, तो मैं ही तो बता रहा हूँ ना, बिना स्किप करे देखना, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको तभी विन कर पाओगे। हर एक कॉन्टेस्ट विन किया इन्होंने, देखिए हर एक कॉन्टेस्ट विन करे, ग्रैंड लीग में इनकी रैंक थर्ड आई, क्योंकि हमारा वीडियो है ना पूरा वीडियो देखते बिना स्किप करे देखते, इसलिए इन्होंने की इतनी अच्छी रैंक आई दोस्तों। उसके बाद ये देखिए अजय कुमार जी लिखते हैं, सर आपकी टेलीग्राम वाली टीम से मैंने 19,000 जीत दिया, थैंक यू सो मच UDCR। किस टीम से, टेलीग्राम वाले टीम से, तो इसका मतलब कि आपको हमारी जो फाइनल टीम आती है ना जो प्राइम टीम से ये सारे यूज़र्स जीत रहे हैं ना, इसका हर एक फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो इस वाले लिंक पर आपको टैप करना है और आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है ये देखिए दोस्तों, इस पर ही हम फाइनल टीम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, ये देखिए फाइनल टीम। उसके बाद ये देखिए हमारी फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलेगी सिर्फ और सिर्फ, ये देखिए दोस्तों। तो ये देखिए, तो अगर आपको भी इन सभी यूज़र्स की तरह एक तरफ़ा विन करना है पहले तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस वाले जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ ठीक इस जगह पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करना है और वीडियो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तो चलिए अभी शुरू करते वीडियो और मैच के बारे में थोड़ा देख लेते। तो अगर बात करें इस मैच की, उससे पहले आप भी अगर हमारे बाकी यूज़र्स की तरह एक तरफ़ा क्लीन स्वीप करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दूसरा आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना क्योंकि टेलीग्राम पर ही हमारी फाइनल टीम आती है, और सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी दोस्तों, याद रखना।
तो पहले चलते हैं मैच पर, फिर क्रिकेट टीम पे जाएंगे हम, फिल्टर लगाते हैं दोस्त पहले टीम के ऊपर जो कि भूटान की टीम दोस्तों। तो एक बार इनका पिछला मैच एक बार चेक करते, इनके पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते इन प्लेयर्स की दोस्तों जल्दी से। तो ये है मैच, तो चलते हैं मैच पर और थोड़ा जान लेते प्लेयर्स के बारे में दोस्तों, कौन से प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है वो आपको दिखाते हैं दोस्तों, एवरेज एंड ऑल एवरीथिंग आपको दिखाएंगे, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। तो हाँ, विकेट कीपिंग पे आते हैं सबसे पहले। विकेट कीपिंग में सबसे बढ़िया ऑप्शंस आपके लिए आते हैं, एक काम करते हैं पहले भूटान की बात कर लेते हैं। पी यांचिन का आपका ऑप्शन है, पर इनको लेंगे नहीं, इनसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन टी सतीश हमारे पास है, जिनके बारे में आगे बताएंगे हम आपको वीडियो में। फिर बैटिंग पे आते हैं, बैटिंग से भूटान की टीम से एन कोचदेन कुछ खास किया नहीं है, उसके बाद ये और ये तीन आपको खेलते हुए दिखेंगे। ऑलराउंडर्स की बात करें, टी जोमू वांगमू सी ओ तीनों खेलेंगे। बॉलिंग की बात करें, एक गौरांग सोनम और जानजो भी तीन आपको खेलते हुए दिखेंगे दोस्तों। मेरे टीम में कौन होंगे, मैं यहाँ से डायरेक्टली बॉल ऑलराउंडर्स में गौरांग तो पक्के होंगे मेरे टीम में, टीम के सबसे बड़े ऑलराउंडर दोस्तों कहाँ है गौरांग, ये रहे सबसे बढ़िया बॉलिंग पर दिए हुए, पर ये ऑलराउंडर्स एज ए ऑलराउंडर ये खेलते हुए दिखेंगे। ऑलराउंडर खेलना भी पड़ेगा दोस्तों, यूएई की टीम काफ़ी मजबूत है तो इनकी विकेट जल्दी गिर जाएंगे। तो तंजाम इम्पोर्टेंट है, दंगमो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको एन छोदेन ये इम्पोर्टेंट है, चार प्लेयर्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाएंगे, आप अगर प्रीव्यू देख लीजिए। बाकी मुझे इन चारों के अलावा किसी और से ज़्यादा कुछ उम्मीद है भी नहीं भूटान की टीम। अगर बात करें दूसरी टीम की जो कि है आपकी यूएई की टीम, यहाँ से आपको टी सतीश खेलते हुए दिखेंगे विकेट कीपिंग से, कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, इनको लेना है। और ग्रैंड लीग में कैप्टन बना लेना या फिर वाइस कैप्टन डायरेक्ट, कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आते हैं बैटिंग सेक्शन से, बैटिंग सेक्शन से यहाँ से आपको खेलते हुए दिखेंगे के शर्मा, एग्रोवर्ड, फिर बाकी मुझे कुछ ऑप्शंस लग नहीं रहे। यहाँ से एग्रोवर्ड और के शर्मा दोनों मेरे टीम में होंगे ये यहाँ की। उसके बाद चलेंगे ऑलराउंडर्स में दोस्तों, तो ऑलराउंडर्स में आपके ऑप्शंस क्या क्या है ये देखिए। पॉइंट्स पर मैच क्या क्या दे, ओजरा 49 पॉइंट्स पर मैच एंड एवरेज, मोगल 33 पॉइंट्स पर मैच, एस धमीधर 39 पॉइंट्स पर मैच। यहाँ से ओजरा मुगल दोनों मेरे टीम में आएंगे। फिर बॉलिंग पे आते हैं, बॉलिंग में यहाँ से मैं अपनी टीम में रखूँगा दोस्तों वी महेश और आई नंदन नंदा कुमार। तो हाँ, ये बन गई हमारी टीम दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए प्रीव्यू टीम का। तो कुछ इस तरह से मैंने बना लिया। सी और वी सी की बात करते, ये मेरे कैप्टन और मुगल मेरे पास, पर ये तो बात होगी स्मॉल लीग्स की। ग्रैंड लीग में जैसा मैंने बोला है, सतीश को आपको कैप्टन बनाना है दोस्तों, वाइस कैप्टन बनाना है, ये आज से बना ज़रूर देना ग्रैंड लीग में टी सतीश को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपको हमारी फाइनल टीम से खेलना है, जिस टीम से मैं खेलता हूँ, मेरे यूज़र्स हमेशा खेलते हैं, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।